नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मकान मालिक ने किराएदार की दुकान और सामान पर किया कब्जा, पुलिस नहीं कर रही है सुनवाई। माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोशनी टाइपिंग नाम से दिलीप कुमार जायसवाल पिछले 12 सालों से टाइपिंग सेंटर संचालित कर रहे थे। लगातार मकान मालिक चंद्रशेखर शिवहरे को उनके द्वारा समय समय पर एग्रीमेंट कराकर किराया भी दिया गया था। वहीं 2008 में जब उन्होंने दुकान किराए पर ली थी तब 80,000 की राशि बतौर पकड़े के तौर पर दी थी। लॉकडाउन के बाद से मकान मालिक द्वारा उनकी दुकान का किराया बढ़ाकर मांगा जाने लगा, जहां सुधीर कुमार जायसवाल द्वारा समय समय पर किराया बढ़ाकर भी दिया गया, लेकिन मकान मालिक ने पिछले दिन से दुकान खाली करने का कहते हुए उनकी दुकान और दुकान में रखे सामान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और अपना ताला लगा दिया। इस मामले की जानकारी होने लगी तो वे माधवनगर थाना और एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं ली। लगातार पिछले 2 माह से उनकी बेटी के साथ न्याय की आस में दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही सीएम हेल्पलाइन में भी पीड़ित के द्वारा अपना सामान और पगड़ी में दी हुई राशि की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन से भी अब तक पीड़ित को कोई राहत नहीं मिली है। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। पति को बचाने गया पति तो दबंगों ने कर दी जमकर पिटाई, एफआईआर होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दतिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का विधानसभा क्षेत्र, जहां विकास के आयामों का पिटारा मंत्री जी द्वारा खोल दिया गया है, लेकिन पुलिस सदैव आपके साथ आज भी एक सवाल बना हुआ है। अपराधी अपराध कर भाग जाते हैं और पुलिस तमाशाबिन बनकर रह जाती है। जी हां, मामला दतिया जिले के दुरसडा थाना क्षेत्र के ग्राम करखड़ा का है, जहां कुंवर लाल पुत्र रामप्रसाद कुशवाहा द्वारा अपनी पत्नी के साथ हो रही बदसुल्की पर आपत्ति जताते विरोध किया गया तो दबंग गोविंद सिंह दांगी एवं सहयोगी द्वारा गाली गलौज कर पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित के परिवार को आते ही देख हथियारों की दम पर डरा धमका कर चले गए, जबकि उक्त घटना को लेकर फरियादी थाने पहुंचा तो वहां उसकी एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक सवाल बना हुआ है। निरंतर मिल रही धमकियों एवं अपनी जान को खतरे में देख पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन जहां हर जगह थाने खोल जनता की रक्षा की दुहाई देने वाले अधिकारी अपराधियों को पकड़ने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। घटना ये है साहब, इनके हमारे जी मैडम के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हमारे 8 लोग थे तो इनने हमारे लिए ऊपर जानलेवा हमला किया, बस बहुत मारा हमको, इसको उठा के ले जा रहे थे तो हम आ गए तो हमको बहुत मारा, वो कोई सुनवाई नहीं है साहब। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। एमराल पब्लिक स्कूल खातेगांव के प्रबंधन द्वारा बच्चों से अभद्र व्यवहार करने के संबंध में एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे को दिया ज्ञापन। खातेगांव एमराल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कन्नौज 11वीं-12वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल में संचालित हो रही परीक्षा में बैठने नहीं दिया और बच्चों से 20,000 रूपए स्कूल फीस की मांग की जा रही है। फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को अपमानित कर परीक्षा में बैठने नहीं दिया और सजा बतौर स्कूल ग्राउंड में खड़ा कर रखा। स्कूल प्रबंधन पर कई प्रकार की लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पलक साहू छात्रा शिकायत करने में भी डरती है। स्कूल प्रबंधन अध्ययनरत छात्र छात्राओं से शिकायत को लेकर बदले की भावना से परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, इस बात के डर को लेकर मीडिया के सामने बात उजागर की गई है और बालकों के द्वारा शहीद भगत सिंह सामाजिक मंच के अनिल नाकर, रोशन नाकर, कमल भगत, मनोज साहू, विवेक तिवारी, संतोष साहू एवं कई सैकड़ों लोग छात्र छात्राओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे थे। एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे ने पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन को तलब किया, जाकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। लोग स्कूल गए थे, पहले भी गए थे तो पहले तो ठीक था, लेकिन आज हम कल एग्जाम देने गए तो वहाँ पे उन लोगों ने बदतमीजी से भी बात करी और पेरेंट्स से बात कराने का बोला तो उन लोगों ने मना कर दिया और फिर बाद में हम लोगों को भी सुनाया और पेरेंट्स से भी बदतमीजी से बात करी और ये बोला कि अभी मतलब आज एग्ज़ाम देने देंगे, कल 5,000 रुपये लेकर भेजो वरना हम नहीं देने देंगे। और फिर ये भी बोला कि आज तो बात करा दी, आइंदा मुझसे फ़ोन पर बात मत कराना पेरेंट्स से और एग्ज़ाम देना हो तो दो वरना मत दो। और हमको ग्राउंड में भी मतलब 1 घंटे खड़े करके रखा, जो बच्चे को एग्ज़ाम देना है वो अंदर जाके बैठ गए, हम लोग खड़े रहे। और फिर खातेगांव के भी कुछ बच्चे थे, यदि उन लोगों ने हमको बस स्टेशन पे छोड़ा, यदि वो नहीं होते तो फिर हमको वापस पैदल आना पड़ता बस स्टेशन पर और फिर वहाँ से आना, मतलब 2 किलोमीटर तो हम लोग चल के गए
खाते गए स्कूल जंगल के रास्ते से। एक ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जा रहा है जिसमें कुछ बच्चे गए थे हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने, तो उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उनको बाहर रखा गया कुछ टाइम तक और उन्हें एग्ज़ाम ना दे के भी वापस कर दिया गया, ऐसी कुछ शिकायत आई है। मैं उसकी जांच करवाता हूँ, मैं शिक्षा विभाग के लोगों को उसकी जांच के लिए करता हूँ और उसके बाद यदि अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। BCN न्यूज के लिए देवास से कैमरामैन महेश वारिया के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। मजदूरों की मेहनत के पैसे सरपंच ले उड़ा, फरियादी मजदूर ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की लगाई गुहार। मामला दतिया जिले के ग्राम सनाई पंचायत का है जहां सरपंच द्वारा गरीब मजदूरों की मेहनत की कमाई को हड़प लेने का है। जी हां, बताना चाहेंगे मनरेगा कार्य के तहत मजदूरों के खाते पंचायत सरपंच एवं सचिव की निगरानी में खुलवाए गए थे, जिनके ATM मजदूरों को ना देकर सरपंच द्वारा अपने पास रख लिए गए और उनपे आने वाले पैसे ATM द्वारा निकाल लिए गए। अब अपने हक की कमाई मांगने मजदूर सरपंच के पास गए तो सरपंच द्वारा उनका यह पैसा नहीं दिया जाता है। मामला सनाई पंचायत जिला दतिया का है जहां सरपंच मंजेश चाटो इस गांव की सरपंच है। मजदूरों की उनकी मेहनत की कमाई ना मिलने के कारण मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक दतिया आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ौनी थाने जिला दतिया, हमारी परेशानियों के सरपंच ने जो हमारे खाते खुलवाए थे तो उसकी ना किताब दी ना ATM दिया, जो भी पैसा आता है मजदूरी का तो वो ही निकाल लेता है। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। श्रीराम जन्मभूमि के श्रीराम कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गुना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाली में 2 फरवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें ग्राम पाली में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री अमिता बागरी रही। यह भव्य रैली हनुमान जी के मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई। इसके बाद राम नाम की धुन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे क्षेत्र में रैली ने भ्रमण किया एवं भव्य शोभा यात्रा के कार्यक्रम के साथ साथ सुंदर कांड पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं बाहर से आए हुए पदाधिकारी एवं सम्मानित गणों ने सुंदर पाठ का गायन किया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से होते हुए क्षेत्र के सभी स्थानों में से गुजरकर जय श्री राम के नारे लगाए गए और बड़े ही उत्साह के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें से प्रखंड संयोजक माननीय लोकपाल सिंह राजपूत, प्रखंड सह संयोजक सुनील उर्मलिया, नगर संयोजक गुनोर विकास पाठक, संयोजक श्यामजी शर्मा, प्रहलाद त्रिवेदी, अभिषेक मिश्रा एवं समस्त बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।